बेरोजगार युवाओं ने नायब तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश में युवा लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 2017 के बाद से विभिन्न विभागों में पद खाली होते हुए भी भर्तियां नहीं की जा रही, या यूं कहें कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की वैकेंसी ही नहीं निकाली गई, जिससे बेरोजगार युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। और इसी के चलते 2018 में बेरोजगार युवा संघ द्वारा भोपाल में प्रदर्शन किया गया था, जिन पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में लाठियां भांजकर उन्हें खदेड़ दिया गया था। बावजूद इसके आज भी रिक्त पदों या नवीन भर्ती को लेकर न कोई परीक्षा आयोजित की गई, न ही खाली पड़े रिक्त पदों को भरा गया है, जिसको लेकर आज बेरोजगार युवा संघ के बैनर तले नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाए। संघ के सुमेर सिंह सोलंकी ने बताया कि 2018 में आज ही के दिन बेरोजगार युवाओं को भोपाल में लाठियां भांजी गई थी, जिसके बाद से प्रतिवर्ष 18 अगस्त को बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। इसी तारंत आज ज्ञापन सौंपकर रोजगार की मांग की गई है। आज ही के दिन पिछले साल बेरोजगार युवा जो भोपाल में अपनी मांग को लेकर गए थे, जहां पर शिवराज मामा की तानाशाही सरकार ने उन पर लाठियां भांजने का काम किया था, जिसके विरोध में हर साल हम 18 अगस्त को बेरोजगारी विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज हमारे मुख्य मांग हम ज्ञापन दिए यहां पर, जहां पर 10 सूत्री हमने मांगे रखी है, जिसमें वर्ग 2 में, वर्ग 1 में और वर्ग 3 में पदों के बढ़ाने को लेकर, MPPSC में 3-3 साल से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं की उसको भी बढ़ाने को लेकर, जैसे अनेक पद जो है सभी विभागों में खाली पद है उनको तुरंत भरने की मांग को लेकर आज हमने पूरे 52 जिलों में ज्ञापन देने का काम किया है, उसी तारतम्य बढ़वाने के बाद हमने ज्ञापन दिया। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ने हमारी है वर्ग 3 में जो पद कम है उनको पद बढ़ाया जाए, और जो सभी विभागों में जो 1.5 लाख 1.5 लाख पद, जैसे अन्य विभागों में भी SI ASI पुलिस कांस्टेबल वर्ग 3 इंजीनियर और स्टेनोग्राफर जैसे तमाम पद खाली है, उन पदों को तुरंत भर्ती किया जाए। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में टिगरिया बादशाह क्षेत्र में बिना अनुमति चलाई जा रही एक तेल कंपनी पर जिला खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्यवाही करते हुए 243 लीटर मीठा तेल जब्त किया है। साथ ही तेल का उपयुक्त तरीके से रिफाइन नहीं किए जाने पर कंपनी मालिक के खिलाफ FIR करवाई गई है। दरअसल टिगरिया बादशाह मेन रोड पर संगीता ट्रेडर्स के द्वारा एक कंपनी का संचालन किया जा रहा है, जहां कई प्रकार के मीठे तेल की पैकिंग की जाती है, जिसमें कई कंपनियों के रिफाइन मीठे ऑयल को बिना रिफाइन किए बिना ही पैकिंग की जा रही थी, जिसकी शिकायत खाद्य विभाग की टीम को मिली, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्यवाही करते हुए मौके से जैन प्रति रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, दामिनी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के साथ 5 अन्य तरह के सैंपल लिए। मौके पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक संगीता ट्रेडर्स के मालिकों द्वारा मिलावटपूर्ण तेल की पैकिंग की जा रही थी, साथ ही मीठा तेल को रिफाइन भी नहीं किया जा रहा था, साथ ही खाद्य तेल के लेवलों में भी हेराफेरी की गई है। अधिकारियों ने मौके से 243 लीटर मीठा तेल जब्त किया है। वहीं ये भी पता चला है कि संस्थान का पता दूसरी जगह बताकर कंपनी कहीं और संचालित की जा रही थी। इस बारे में खाद्य विभाग की टीम ने कंपनी के मालिक और प्लांट मैनेजर के खिलाफ बाणगंगा थाने में धोखाधड़ी की FIR दर्ज करवाई है। टिगरिया बादशाह में ये दामिनी ऑयल्स करके एक तेल बनाने वाला एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें शिकायतें मिल रही थी कि इन लोग मिसब्रांडिंग करके तेल बेच रहे हैं और फोर्टिफिकेशन का भी उस पर दिख रहे हैं और फोर्टिफाइड तेल नहीं है, जिससे जनता से धोखाधड़ी हो रही है, ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। हम लोग ने जब परीक्षण कराया तो वास्तव में फोर्टिफाइड करने वाले फोर्टिफिकेशन करने वाले कोई एलिमेंट्स जो होते हैं, जो चीज़ें डाली जाती है तेल में, वो उनके वहाँ पर नहीं मिले। इसके अलावा कारखाना का जहाँ का लाइसेंस लिया गया था वहाँ न चलाते हुए इसे दूसरी जगह चलाया जा रहा था, तो ये मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध ज्ञात हुआ, इसलिए वहाँ से करीब 247 लीटर तेल भी जब्त किया गया है, 5 सैंपल लिए गए हैं और FIR भी कराई गई है। धोखाधड़ी